हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरोसिक्स, वेयर ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है अगले 7 दिनों तक आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आज हम देखेंगे उस चीज़ के बारे में। सो ये जो रीडिंग है ये ऑफ कोर्स टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए। तो आप जिस दिन से भी देखें उसे अगले 7 दिनों तक आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या होने वाला है खास। ठीक है, सो ऑफकोर्स हम फाइंड आउट करेंगे। एंड ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। आप उसको कभी भी देख सकते हो, किसी के लिए भी देख सकते हो, देयर डज नॉट मैटर। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, इंस्टाग्राम में फॉलो करना है। इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए जो लिंक दिया हुआ है उसी में आपको क्लिक करना है, ना कि बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। ठीक है, आपको अवेयर रहना है कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं हम। और मेरा जो दूसरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जनरली इंस्टाग्राम में मैं कार्ड के बारे में और एंजल नंबर्स के बारे में बोलती रहती हूँ। आप लोग बोलते हो इस एंजल नंबर का मीनिंग क्या है, तो अगर आप इंस्टाग्राम में जाते हो, इवन मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी देती रहती हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखें और क्लेम करें, क्योंकि मैं खुद भी एंजल नंबर्स देखती हूँ। और मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि आप सब लोगों को ब्लेसिंग्स अबंडेंस मिले। तो इसी शुभ शुरुआत के साथ हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जीवन में 7 दिनों में ऐसा क्या होने वाला है बहुत ही स्पेशल। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है कुछ खास कुछ स्पेशल। वाओ, फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आ चुका है मेजर अर्कना पे, वो है टेम्परेंस। सॉल्यूशंस वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज पेज ऑफ एरियल। वी हैव टेन ऑफ गैब्रियल, वी हैव पेज ऑफ गैब्रियल। वाओ, वी हैव द एम्प्रेस, दैट्स अमेजिंग गाइस। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज किंग ऑफ एरियल। सो यहाँ पे है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे है एरीज लियो सजिटेरियस। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। यहाँ पे है द लिब्रा, यहाँ पे है सजिटेरियस, यहाँ पे है टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको रख देते हैं, उसी के नीचे है वर्ल्ड, उसको भी हम ले लेंगे। ठीक है, तो चलो बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ नंबर्स, जैसे 3, 10, 1, 14, 21 कैन बी इम्पोर्टेंट, दैट इज 3, 5, 3 कैन बी इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे जो मेजर अर्कना पे आ चुका है वो है सॉल्यूशंस, ये है टेम्परेंस का कार्ड। मुझे दिख रहा है कि अगर आपके कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल अगर किसी का फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चल रहा था, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन्स हो रहे थे, एंग्जाइटीज हो रहे थे, कहीं ना कहीं पे आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे कुछ चीज़ों का, ठीक है, कि उसका हल निकल जाए। कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप चाह रहे थे कुछ ऐसा आपके पास टेक्निक्स आ जाए जहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ। यहाँ पे बेसिकली उसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप एक रिसर्चर हो, अगर आप ऑलरेडी मेडिकल फील्ड पे हो, या अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं पे अगर आपके वर्किंग एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था, एनवायरनमेंट में वातावरण ऐसा था कि आप लोगों को काम करने में दिक्कत हो रहा था, या बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स जॉब दिया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे आपको समस्याएं आ रही थी। कहीं ना कहीं पे अगर आपके हेल्थ इश्यूज भी थे तो वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि आपके पेशेंस के वजह से, आपके सेल्फ कंट्रोल के वजह से कहीं ना कहीं पे आपने पेशेंस भी रखा था, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ है जो हीलिंग डेफिनेटली होने वाला है।
कुछ चीज़ का ऐसा है कि आपको पता ही नहीं था कि रोशनी देखो यहाँ पे आ रहा है, आपको लाइट दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आप ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे थे, बट वहाँ पे हो सकता है कि हर्डल्स आ रहा था, आपको टिकट्स नहीं मिल रहे थे, अवेलेबल नहीं हो रहा था, वो चीज़ हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे आप के साथ किसी रिलेशनशिप में आपका इश्यूज चल रहे थे और आप उनके साथ अपने जो ओपिनियंस है वो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, मैच नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पे एक परफेक्ट सोल्यूशन आपके लिए आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि एडजस्टमेंट्स, हो सकता है कि कुछ लोग किराए पे रह रहे हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं पे टेनेंसी के वजह से कुछ प्रॉब्लम्स था या घर आपको शिफ्ट करना था लेकिन नहीं हो रहा था। हर एक चारों तरफ से मुझे यहाँ पे दिख रहा है देयर विल बी अ कम्प्लीट बैलेंस इन योर लाइफ। विद द एम्प्रेस कार्ड एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आई डू फाइंड कि अगर आपका ऐसा मन है कि चलो हम कुछ हॉलीडेज में जाए, कुछ स्पेंड करें, बहुत दिन हो गया कि हमने खर्चा भी नहीं किया है, सिर्फ काम ही काम हम करते जा रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है हमको वैकेशन लेने का टाइम नहीं मिल रहा है, काम से फुर्सत नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि आप लोग एक प्लान करो, मे बी फॉर अ वीक प्लान यू कैन डू, ठीक है, एक्जॉटिक जगह पे जाना, थोड़ा सा फ्रेश हो जाना, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं पे एंटरटेनमेंट में ज़्यादा खर्चा करना या टाइम स्पेंड करना ग्रुप्स के साथ, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ। आई डू फाइंड कि आपके अगर कोई क्रिएटिव साइड थे, मे बी अगर आप बहुत ज़्यादा लिखने में अच्छे हो या बोलने में अच्छे हो, कहीं ना कहीं पे आप पोएट्री के ऊपर या सिंगिंग के ऊपर या कहीं ना कहीं पे आपकी जो हॉबीज है उसके ऊपर आप फोकस करोगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको टाइम मिलेगा, मे बी विल गेट सम हॉलीडेज फ्रॉम ऑफिस या कॉलेज से, कहीं ना कहीं से हो सकता है कि आपके जो क्रिएटिव साइड है वो और ज़्यादा निखर के आएगा। और डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के फाइनेंशियल सेटलमेंट यहाँ पे हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको लोन्स नहीं मिल रहे थे, आप बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे थे, तो कहीं ना कहीं पे आपको एक सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा कि किस तरह से उसको पेमेंट करें। और बहुत ही ज़्यादा आप काम करना भी कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कि डे एंड नाइट आप काम किया करते थे लेकिन आपको हो सकता है कि उस आप अब लायक तो हो, ठीक है, आप प्रमोशंस पाने का, या कहीं ना कहीं पे आप फैमिली का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाए थे, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ भी हो सकता है, तो उनको कहीं ना कहीं पे एक इस तरह से खुशी मिल रहा है कि चलो मैंने काम तो किया, बराबर मैंने सबको संभाला है। उसी तरह से आपको एक अंदर से अंदरूनी जो होता है ना सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है, और वो भी बहुत बड़ा बात है। कहीं ना कहीं पे फैमिली टूर्स हो सकता है आपका आउट ऑफ द सिटी, स्टेट या कंट्री, बिजनेस आपका खास जा सकता है, रिलेशनशिप्स आपके ऑनलाइन डेवलप हो सकते हैं, इंटरनेट में किसी को देखे आप, डेफिनेटली उनके साथ कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट हुआ, बातचीत हुआ। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आपके जो डिफिकल्ट फेज थे, कहीं ना कहीं पे आप मुश्किल हालात से अगर गुजर रहे थे, आपके आंखों में आंसू भी था, ठीक है, कि किस तरह से हम अपना समस्या का समाधान करेंगे, कोई तो होगा गाइडेंस देने के लिए, इस तरह से एक हीलिंग एनर्जी यहाँ पे आ रहा है। कहीं ना कहीं पे आप कोई रिसोर्सेस का मतलब फाइंड आउट कर रहे हो, डिस्कवरी कर रहे हो कुछ चीज़ों का, स्पेसिफिकली पीपल हु वांट टू ट्रैवल, ठीक है, आउटसाइड, उनके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको वीज़ा मिल रहा है, मे बी अ टेम्पररी वीज़ा और अ परमानेंट सेटलमेंट आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कुछ अलग अलग कम्युनिटी मेंबर्स आपके साथ मिक्सअप हो रहे हैं, बातचीत आप कर रहे हो, आप स्ट्रांग पोजिशन में हो रहे हो, कहीं ना कहीं पे जॉब ऑफर आ रहा है आपका मल्टी नेशनल कंपनी से, आप ज्वाइन कर रहे हो, एंड डेफिनेटली आपके जो रिलेशनशिप्स है वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि यू आर गेटिंग न्यू ऑफर्स, न्यू फ्रेंडशिप्स, न्यू कनेक्शंस, या आपके जो ओल्ड कनेक्शंस थे वहाँ पे रिकंसिलिएशन होते जा रहा है। कुछ रिलेशनशिप्स में आपको एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा महसूस होगा, कहीं ना कहीं पे आप इस तरह से होता है ना कि हम अगर कोई चीज़ न्यू ट्राई करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी तो बहुत सारे हो रहा है कि किसी जगह पे जाना, वो पूरी तरह से स्नो पे मतलब बर्फ़ पे बना हुआ है, उसके अंदर 2-3 दिन रहना है, ठीक है, वो एक एडवेंचरस चीज़ है। कपल आप जा रहे हो, वहाँ पे स्टे कर रहे हो और बहुत फन कर रहे हो, रोमांस कर रहे हो, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी हो रहा है। सो आई डू फाइंड वेरी फायरी एनर्जी, ठीक है, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि यहाँ पे स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हो सकता है कि आपको डिग्रीज मिल रहे हैं, यू विल बी अवार्डेड, एंड डेफिनेटली आप जा रहे हो लाइब्रेरीज में, यू आर गेटिंग डिफरेंट बुक्स सोर्सेज, जहाँ पे पढ़ाई करने का आपको मौका मिल रहा है, जहाँ पे आपने नहीं सोचा था। एंड हो सकता है कि आप एक ट्रेनिंग मैनेजर भी बनो, आप प्रोफेसर्स की जॉब आपको मिल रहा है, लेक्चरर्स की जॉब मिल रहा है, किसी को सीख दे रहे हो आप,
बहुत सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव कार्ड्स नहीं मिले। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट डेक से कि नेक्स्ट 7 डेज में क्या एक्साइटमेंट हो सकता है, क्या खास हो सकता है आपके लाइफ में, ठीक है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में नेक्स्ट 7 डेज में क्या खास हो सकता है। नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, ओके। वी हैव द 4, देखा 444, 444, यू कैन क्लेम दिस रीडिंग बाई 444 or 444, यस यू कैन क्लेम द रीडिंग बाई 444 or 444। सो 1441 आप हो सकता है एंजल नंबर्स देखो, एंड डेफिनेटली 7 हो सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास और एक खास कार्ड आ चुका है, द स्टार, 6 of Cups, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये एक स्टार का भी कार्ड है। यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं, ऑल द साइंस आर देयर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस। बेसिकली दिस इज अ स्टार कार्ड, तो डेफिनेटली हीलिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आप देखोगे कि हीलिंग मतलब क्या है, इट्स दैट जितना भी आपके ग्रजेस थे किसी के ऊपर, या आपको लग रहा था उसने मुझे ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ और वो ही मेरे ज़िंदगी में इस हालात के लिए ज़िम्मेदार है, तो कहीं ना कहीं पे आप भूल जा रहे हो उस चीज़ को, एक न्यू फेज़ आपके लाइफ में आ रहा है एंड यू आर कमिंग इन द स्पॉटलाइट। देखो कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी ऐसा इंसान हो, हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग्स भी है, तो हम जब भी कोई चीज़ हासिल करने जाते हैं ना, देर इज़ अ नो शॉर्टकट वे टू सक्सेस, ठीक है। वो शॉर्टकट नहीं होता है, हमेशा उसके लिए एक बड़ा पाथ ही लेना पड़ता है, कहीं ना कहीं पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं कुछ हासिल करने के लिए, चाहे वो हम कुछ लोग वक्त का करते हैं, कुछ लोग और का करते हैं, ठीक है। सो वट एवर कॉम्प्रोमाइज़ दे हैव डन, कुछ लोग फैमिली से दूर रहते हैं, ठीक है, तो और पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गर्मी में, धूप में, बारिश में, सर्दी में, जो भी है, वट एवर दे आर डूइंग, तो कुछ लोगों का यहाँ पे लक फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आपके हार्डवर्क के साथ, ठीक है, और लक फैक्टर भी हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज एंड 16 इट कम्स टू 7, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपके लक फैक्टर्स जो है उसका चांसेस है, अगर इस दौरान आपको कोई भी अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप उसको, उसका जो लाभ है वो उठाए, ठीक है, उसको ऐसे ही जाने ना दे। कहीं ना कहीं पे आपके, मुझे दिख रहा है किसी किसी के लिए घर में रिश्ता आ सकता है, और आपके पास हो सकता है 3 से 4 ऑप्शन हो, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा भूल भुलैया यहाँ पे है, ठीक है, मेस कि आपको पता नहीं चला कि किसको सिलेक्ट करना है, किसको नहीं करना है, मे बी देयर कैन बी अ कन्फ्यूजन, बट एट द एंड में भी आपका किसी के ऊपर नज़र है या कोई आपके ऊपर नज़र रख रहा है, कहीं ना कहीं पे एक जगह पे बैठ के शायद कंट्रोल कर रहा है उस चीज़ से। मुझे घर में कुछ चीज़ मैंने आपको बताया था, कुछ किराए का घर या घर आप शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप एक स्टेबल एटमोसफेयर पे जा रहे हो, सकता है वातावरण के सामने, मतलब गुड उसका लैंडस्केप हो, उस तरह का घर खरीदने की आपका एक मनोकामना है और आप उसके बारे में फाइंड आउट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, उस तरह से दिख रहा है, डिस्कवरी कर रहे हो, कहीं ना कहीं पे आपके जो सारे विशेष है वो फुलफिल हो सकते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे मुझे दिख रहा है, बट आपको उसके लिए थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि कुछ आप इन्वेस्टिगेशन करो कुछ चीज़ के बारे में और आपको तुरंत सोल्यूशन मिल जाए, बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आ रहा था सोल्यूशन, मतलब अगर आपको डिफिकल्ट टास्क भी मिल रहे हैं उसके साथ साथ आपको सोल्यूशन भी मिल रहा है, समाधान भी मिल रहे हैं, जो सबसे बढ़िया है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पे हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, तो क्या करें, हजारों गाइडेंस लेंगे लेकिन हमको समझ में नहीं आएगा, कोई हमको बताएंगे तभी भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग द वे, ठीक है। कोई पास्ट के इंसान से आप कनेक्ट हो सकते हो, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है आपका इस जन्म में या पूर्व जन्म का, कोई आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, बिकॉज आई कैन सी द कनेक्शन आइदर थ्रू वर्चुअल कनेक्शन, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, थ्रू इंटरनेट, या फेस टू फेस आप मीट कर रहे हो, ठीक है, इंटरैक्टिव। सोचो आप कोई लाइव कॉन्फ्रेंस देख रहे हो और कहीं ना कहीं पे आप लोग, अभी तो जूम हो चुका है, ठीक है, यू आर मीटिंग देयर एंड फिर से बातचीत शुरू हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर आप शेयर कर रहे हो, इसी तरह से मुझे कुछ लग रहा है यहाँ पे, ओके। नाउ लेट मी सी द फाइनल गाइडेंस फॉर, क्योंकि गाइडेंस देखना बहुत बड़ा बात है, गाइडेंस हमें चाहिए ही चाहिए,
वॉट्स द गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं जो आपको फॉलो बिल्कुल करने चाहिए. यूनिवर्स प्लीज गिव गाइडेंस. यही ऊपर था और यही यहाँ आया. ठीक है, देखो आप इस 7 दिनों में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं इमोशंस आपके जो परसेप्शन है, मतलब आपके जो नज़रिया है उसमें आपको दिखाई नहीं, जिस तरह से अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, बादल अगर आ जाते हैं तो सूरज के किरण हमें दिखाई नहीं देते हैं, उसी तरह से इमोशंस में अगर आप छाए हो किसी की वजह से, ठीक है, दुख हो रहा है, मे बी लूजिंग अ जॉब, मे बी लूजिंग अ करियर, या आपके हालत के जिम्मेदार कोई और है, ठीक है, उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, पास्ट के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो ये आपको नहीं करना है. ठीक है, यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस. ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं. ओके, देखो यही बोल रहे हैं, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज अवेलेबल. मैंने आपको बताया था ना कि लक इज फेवरिंग यू. ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज में हो सकता है या अगले ही कुछ समय में आपको लक बहुत ज्यादा फेवर कर सकता है. ठीक है, मैंने आपको बताया, लेकिन ये कब हो रहा है, व्हेन यू आर फॉरगेटिंग द पास्ट. पास्ट को भूल के आप आगे बढ़ो, ऐसा नहीं कि इंसान को भूल रहे हो या सिचुएशन, लेकिन उससे आप सीख ले रहे हो. ठीक है, कोई पास्ट कनेक्ट भी हो सकता है आपका, लेकिन अगर वो कनेक्ट भी होते हैं आपके साथ ना, ये याद रखना कि वो बदल के आपके पास आ रहे हैं. आपके लिए पास्ट अपॉर्चुनिटी भी आ सकता है. कुछ कुछ जगह पे आप देखे हो ना कि हमेशा पास्ट, मतलब पास्ट इंसान ही नहीं होता. कुछ कुछ जगह पे ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आप कोई जगह पे जॉब करते थे, आपका पोजीशन बहुत अच्छा था या आपका काम लोगों को बहुत अच्छा पसंद आया था, दे हैड एडमायर्ड, बट समहाउ यू हैड टू लीव द जॉब कहीं ना कहीं वजह से आपको जॉब, तो वहीं से आपका फिर से कॉल बैक हो सकता है. ठीक है, ओके, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, इंटरव्यूज में भी आप दे चुके, उस तरह से हो सकता है. गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे. सो जो भी आप डिजर्व करते हो, यूनिवर्स आपको बोल रहा है 7 दिनों के अंदर आपके आ सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, बिकॉज दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन, सो मे बी यू गेट कनेक्टेड. पहले कनेक्शन तो हो जाए, ठीक है ना, न्यू लव आ रहा है आपके पास, और आपका मतलब दिल से जो चाह रहे हो ना वही होगा आपके साथ. ठीक है, दिल से जिसको भी चाह रहे हो, जिनको भी चाह रहे हो, जो भी चीज़ आप डिमांड कर रहे हो तो वो चीज़ होगा, अगर आप पॉजिटिव वे सिलेक्ट करते हो तो. सो दिस इज़ वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज, एंड आई होप यू लाइक इट. सो इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग एंड क्लेम दिस रीडिंग बाय 444 or 444 इफ यू लाइक. Thank you so much. Love you all and take care, guys.